देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी, एकदम 5 मिनट में बनने वाली मिठाई, जो कि बहुत जल्दी बन करके भी तैयार होगी। और ऐसी यूनिक मिठाई कि आपने यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसी ये हमारी मिठाई बनी है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो कितना भी हम बनाए खाना, कितना भी सोच समझ के बनाए खाना, फिर भी आटा थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है आटा। तो उसको अगर हम इस गर्मी में रख देंगे तो वो उसको ख़राबी होना है। तो चलिए, इस पेस्ट मतलब रखे हुए आटे से हम बनाते हैं कुछ यूनिक सी मिठाई। और ये मिठाई इतनी अच्छी है, इतनी डिलीशियस है बनेगी कि आप इसके लिए आटा जानबूझकर थोड़ा सा ज़्यादा ही माड़ेंगे आटा, जिससे कि हमें ये मिठाई बनानी है तो हमारा आटा भी ना वेस्ट हो और ख़राब मतलब ना हो, और ये यूनिक सी मिठाई भी बनके तैयार हो जाए। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें ये बनानी है, जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी बनेगी। क्योंकि गैस आटा वगैरह की चीज़ें बनाने में थोड़ा सा मिठाई वगैरह भूनने का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो कि बहुत दिक्कत होती है। तो आज जो मिठाई बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे बनाने में। तो देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा आटा कट करके ले लिया है। अगर आपने आटा तुरंत फ्रेश माड़ा मतलब गूँथा हुआ है तो उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। अगर तुरंत नहीं गूँथा है, रखा हुआ है आटा, तो आप इस तरह से लोइयां तुरंत बनाना चालू कर सकती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे, जैसे कि हम रोटी चपाती के लिए लोइयां बनाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने 5 से 6 स्पून देसी घी रख दिया है, क्योंकि मिठाई वगैरह है, घी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए, इसमें हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो एक बार में जितनी आ जाएंगी बस उतनी ही हमें फ्राई करनी है, और इन्हें हल्के हाथों से स्टर करते हुए फ्राई करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्हें गोल बॉल्स बनानी है या फिर कि जैसे इच्छा है वैसे बनानी है, बस बहुत बड़ी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की बनानी है, छोटी छोटी सी बना लेनी है बॉल्स, जैसे कि ये कुक हो जाए आसानी से और दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम बना लेंगे। तो इन्हें हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, सिंपल सा। तो देख सकते हैं, हल्का हल्का सा हमारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये देख सकते हैं, हमारी एकदम यम्मी सी गोल्डन फ्राई हो चुकी है अच्छे से। तो इनको हम अलग निकाल करके रख लेंगे। ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बन करके तैयार होती है, ये देख सकते हैं। तो इन्हें हम ऐसे ही निकाल करके सारी की सारी रख लेंगे, और सेकेंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, इतना कम घी लगा हुआ है फ्राई करने में। तो आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा हम सेक लेंगे, फिर भी ये घी बच जाएगा हमारा। तो ये देख सकते हैं, लास्ट बैच सेक रहा था वो भी सेक लिया है। तो ये देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, यानी 10 से 12 बादाम और वॉलनट यानी फ्रूट ले लिए हमने। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर किशमिश, काजू, बादाम, काजू और भी कई सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन हमने इतने ही फ्राई कर लिए, इन्हीं को ले लेंगे। तो चलिए, इनको भी रखते हैं। और ये सारे सामान ठंडे होने के बाद हम मिलते हैं आके। तो ये सारा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे ठंडे हो चुके हैं। तब इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि ये हमें अच्छे से पाउडर के रूप में मिल जाए। ये देख सकते हैं, ठंडा हो चुका है तो ग्राइंड करते हैं, ये देख सकते हैं। तो गाइस, ग्राइंड करने से आप समझ ही गए होंगे कि हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनेंगे। और इस तरह से बनाने में ज़्यादा आफत भी नहीं लगेगी, क्योंकि आटे को भूनना बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप थोड़ा सी लापरवाही कर दी तो कच्चा रह जाता है, और अगर ध्यान से नहीं किया तो फिर ज़्यादा जल जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें न जलेगा और ना ही कच्चा रहेगा। तो ये देखिए, हम इसको हल्के हल्के हाथों से छान लेंगे। ये चावल वाली छन्नी है, जो कि इसमें बड़े बड़े छेद हैं, तो इसको हम छानेंगे तो रवे की तरह मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आप सारे ग्राइंड कर लिए, छान भी लिया। तो अब इसमें देखिए, हम ग्राइंड करके ही दर दरा ग्राइंड करके अपना ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। और ये ले लिया है हमने चाशनी। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये ऐसी वैसी चाशनी नहीं, ये हमारी जो
आंवले का मुरब्बा होता है अक्सर करके वो चाशनी बन जाती बच जाती है, तो ये सोचते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करें। और गर्मियों में ये चाशनी खाने से बहुत अच्छी ठंडक मिलती है, क्यों? क्योंकि इसमें मुरब्बा बना हुआ होता है, तो जो आंवला होता है आंवले का रस इसमें काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, जो कि विटामिन सी है और आयरन वगैरह है। तो इसी से हम बनाएंगे, देखिए कितना सेहत जैसा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हेल्दी होगा ये लड्डू। तो अगर आपके पास ये चीज़ मतलब मुरब्बे की जूस नहीं है, चाशनी नहीं है, तो आप इसकी चाशनी भी बना सकते हैं, या किसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीनी यूज़ करते हैं तो उसमें आपको घी और या फिर मावा ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ना ही हमने चीनी ली है, ना ही हमने चाशनी बनाई है, बहुत टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, में जो आंवले का जो खुशबू आए आंवले की जो खुशबू आएगी ना, वो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी होगी। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू बांध लेंगे अब, तो अच्छे से दबा दबा के लड्डू बांधने हैं, जो कि ये गर्मियों की बहुत हेल्दी टेस्टी रेसिपी है। बस भूख लगी है तो एक खा लीजिए, और दूध पी लीजिए या फिर पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत हेल्दी है, पेट एकदम से भर देगी आपको, तो ये इतना टेस्टी और इतनी यम्मी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे लड्डुओं को, तो चलिए फिर अच्छे से बांध लेते हैं और फिर मिलते हैं बांध करके। आप इसमें गोंद वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने सिंपल तरीके से बताया, इसलिए नहीं ज़्यादा हमने झंझट किया है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे बना करके लड्डू रख लेंगे, जो कि बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी होंगे। और इन्हें एक बात और गाइस, इन्हें आप 1 महीने से 2 महीने तक रख कर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची हो या जिसमें हमने पानी वगैरह का यूज़ किया है। हाँ, अगर आप मावा या दूध ऐड करते हैं तो उसको उसकी लाइफ सेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम होगी, बाकी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट लड्डू है, आप देख सकते हैं खुद ही कि कितना यम्मी लड्डू है। तो ये देखिए, इनको हम अगर टूट जाता है तो फिर से भी बना सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, हमारी फुल रेसिपी देखें। थैंक यू, बाय बाय।